गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा हादसा सामने आया है। यहां सरखेज गांधीनगर हाईवे स्थित इस्कॉन ब्रिज पर 20 जुलाई की सुबह हुए हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। दरअसल इस्कॉन मंदिर के पास फ्लाईओवर पर आधी रात के समय एक थार गाड़ी और डंपर में टक्कर हो गई थी। इस हादसे को देखने के लिए ब्रिज के ऊपर भीड़ जमा हो गई थी। इसी बीच एक तेज़ रफ्तार जगुआर कार आई और लोगों को कुचलती हुई चली गई। हादसा इतना भयानक था कि 9 लोगों की मौत हो गई और करीब 13 अन्य लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में एक पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड भी शामिल हैं। वे देर रात थार और डंपर के बीच हुए हादसे के बाद कार्रवाई के लिए इस्कॉन ब्रिज पर पहुंचे थे। गई रात त्या इस्कॉन ब्रिज पर जे अकस्मात थयो ए खूब दुखद घटना छे। आ घटना में 9 लोग मरी गया है ने बीजा 10-11 लोग इंजर्ड छे। आ घटना नी अमे रात थी तपास चालू छे, फरियाद पण एनी नोधाई गई छे, पंचनामू पण थई गयु छे, एफएसएल ना अधिकारी नी विजिट पण थई गई छे। तदुपरांत आरटीओ एफएसएल अने जॉइंट विजिट पण हाल में थनार छे। आरोपी जगुआर गाड़ीए जेने एक्सिडेंट कर्यो छे एने अमे सारवार हेठळ होय हाल में एरेस्ट करेल नथी। डॉक्टर नी सलाह प्रमाणे सलाह लईने अमे एने एरेस्ट करी लईशुं। वहीं हादसे को लेकर 16 सिविल अस्पताल की मेडिकल अफसर कृपा पटेल ने कहा कि 12 लोगों को अस्पताल लाया गया था जिसमें 9 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस्कॉन ब्रिज पासे जे अकस्मात थयुं छे एमांथी अमारे त्यां 12 पेशेंट्स लावामां आया हता। एमांथी जे 9 पेशेंट हता एमांथी 8 ब्रॉड डेड हता ने एक पेशेंट अहींया आव्या पछी एमने मृत्यु थयुं छे ने बीजा जे 3 पेशेंट छे एमने अमे सिविल हॉस्पिटल असारवा मोकल्युं छे। आजे 9 पेशेंट छे एमनुं पीएमनुं कामगीरी चालू थई गई छे। अहमदाबाद हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर हुआ हादसा बेहद दुखद है, मैं मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये देने का फैसला किया है।